स्मृति ईरानी एक ऐसी मंत्री हैं कि सबका डिग्री बढ़ता है, इनका डिग्री घटता है। इस बार के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 12वीं पास हैं, इससे पहले के चुनाव में बोली थी कि हम बीए पास हैं। तो बताइए, वही कहावत है ना, जाके पैर न फटे बिवाई हो का जाने पीर पढ़ाई। जिसने नहीं की हो पढ़ाई लिखाई वो तो यूनिवर्सिटी में जो है मारपीट और दंगाई ही हो सकता है ना। स्मृति ईरानी यही संकट भी है, इनके पास स्मृति ईरानी है तो इनको लगता है कि शाहीन बाग की महिलाएं बिकाऊ हैं, ये यही सोच सकते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। जिसके संगत में रहेंगे वही नजर आएगा। स्मृति ईरानी ने उल्टे रोहित वेमुला के ऊपर कार्रवाई करवाई और वो स्टूडेंट आंदोलन करते करते अपनी जान को कुर्बान कर गया। आज देखिए, जिस स्टूडेंट को ये लोग आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो स्टूडेंट आज इस देश में छात्र आंदोलन का प्रतीक बनकर के उभरा है और पूरा देश 17 जनवरी को शहादत दिवस मना रहा था। ये होती है सच की ताकत। आपको भी बदनाम किया जाएगा, तरह तरह की बातें कही जाएंगी। अभी तो ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया और बिरयानी मिल रहा है, कल को कुछ और कहा जाएगा। मैं समझता हूं ये छोटा आरोप है। हम लोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है, हम लोगों को तो एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन आरोप आरोप होता है और सच सच होता है। इसीलिए किसी आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको आरोप लगाना है उनको लगाने दीजिए, लेकिन आप जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सही की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि जान चली जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन इंसान को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान होने में और जानवर होने में यही फर्क होता है कि जानवर को नहीं पता है कि उसका हक क्या है, इंसान को मालूम होता है कि उसका हक क्या होता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि इस आंदोलन का क्या होगा। आप ये सोचिए कि आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल को जो इतिहास लिखा जाएगा, आपके गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपसे पूछेंगे कि बताओ मम्मी, बताओ मम्मी, जब देश पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रही थी। अगर आप अपने बच्चों से नजर मिलाना चाहते हैं और अपना नाम भगत सिंह के साथ और अशफाकुल्ला खान के साथ जोड़ना चाहते हैं, माफी मांगने वाले सावरकर के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो ये लड़ाई लड़िए। और जो लड़ाई लड़ी जाती है वो लड़ाई हर हाल में जीती जाती है। हमको हिंदुस्तान के इतिहास ने यही सिखाया है। अगर अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी को हम लोग हरा सकते हैं, अगर इस देश में कोई भी तानाशाही सरकार बनी हो उस सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो इस सरकार को भी हम कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, तुम हमको नागरिक नहीं मानते हो, हम तुमको सरकार नहीं मानते हैं। लगा लो तुमको जितनी ताकत लगानी है लगा लो, हम अपने न्याय और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब लड़ने की बात हो रही है तो आजकल पत्रकार क्या करते हैं, सब नहीं जिनको मिलता है, स्वाभाविक बात है, वो किसी महिला को पकड़ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उसी को किसी महिला को पकड़ करके उससे पूछते हैं कि आप किस चीज से विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस पत्रकार से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम पत्रकार हो, अगर तुम बिकाऊ माल नहीं हो, अगर तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीने में है, तो जो लोग CAA, NRC और NPR का समर्थन कर रहे हैं, एक बार उनसे भी जाकर के ये पूछ लो कि जो लोग CAA, NRC और NPR का विरोध कर रहे हैं उनके हाथ में तिरंगा है, जो लोग NPR, NRC और CAA का समर्थन कर रहे हैं
उनके एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में आरएसएस का झंडा क्यों है? ये सवाल जरा उनसे भी जाकर के पूछ लो कि हमको एनपीआर सीएए के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको सीए एनआरसी और एनपीआर के बारे में कितनी जानकारी है? गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, इसकी तो चाय पे चर्चा ही नहीं हुई है। तो इस पर प्रश्न पूछो ना कि किसकी बात को सही माने, प्रधानमंत्री की बात को सही माने या गृह मंत्री की बात को सही माने? इस कंफ्यूजन में है क्या? इस कंफ्यूजन में मत रहिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आप ऑमलेट बना के खाइएगा कि अंडा का भुजिया बना करके खाइएगा? बनेगा तो अंडे से ही ना। इस कंफ्यूजन में मत रहिए।